जय श्री राम। तो चलिए, हनुमान मूवी का जो ट्रेलर है वो फाइनली आ चुका है एक लंबे चौड़े इंतजार के बाद, और उसके बारे में बात करते हैं। जो हनुमान मूवी है वो इंडियन सिनेमा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, वो इसीलिए क्योंकि ये इंडिया के फर्स्ट सुपर हीरो यूनिवर्स की पिक्चर होने वाली है, और इस सुपर हीरो यूनिवर्स का नाम है वो अंजनरी होने वाला है। अगर मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूं तो आप मुझे कमेंट्स में करेक्ट कर सकते हैं। और इस यूनिवर्स के जो क्रिएटर हैं वो प्रशांत वर्मा होने वाले हैं, जो कि काफी यंग डायरेक्टर है। और इस मूवी का जो बजट है वो भाई सिर्फ 16 करोड़ रुपए है, मतलब सारा मार्केटिंग वगैरह मिला के अगर 20 से 25 करोड़ तक भी जाता है तो भी ये चौंकाने वाली बात है, क्योंकि ट्रेलर में अच्छे खासे VFX और CGI हैं जो हमें चौंका देते हैं। अगर कोई कहे कि ये पिक्चर 100 से 150 करोड़ के बजट में बनी है तो भी हम मान लेंगे, लेकिन भाई सिर्फ 16 करोड़ रुपए का बजट होने के बावजूद भी हमें इतने अच्छे VFX CGI दे रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इनका विजन है वो काफी क्लियर है चीजों को लेके, वो स्टार्टिंग में ही में पता लग जाता है जब ट्रेलर के स्टार्टिंग में लिखा हुआ आता है कि इंस्पायर्ड फ्रॉम द इतिहास ऑफ अखंड भारत, कि अखंड भारत के इतिहास से इंस्पायर्ड है। इन्होंने मिथोलॉजिकल वर्ड का यूज नहीं किया, जहां की बहुत सारे डायरेक्टर जब देवी देवताओं के ऊपर ऐसी कुछ मूवीज वगैरह बनाते हैं तो वो मिथोलॉजिकल वर्ड का यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है कि मिथ्या, मतलब बनाई हुई कहानियां वगैरह से इंस्पायर्ड। लेकिन यहां पर ने इतिहास वर्ड का यूज किया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, वो इसलिए कि इतिहास का मतलब है वो चीजें जो रियलिटी में घट चुकी हैं हमारे पूर्वजों के साथ। वैसे मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि इस सुपर हीरो यूनिवर्स की एक और पिक्चर अधीरा, जिसका टीजर काफी टाइम पहले यूट्यूब पे आ चुका है, उसे भी देख सकते हैं, वो भी काफी सरप्राइजिंग है। तो चलिए अब ट्रेलर की बात करते हैं। ट्रेलर की स्टार्टिंग में ही हमारा जो मेन कैरेक्टर है हनुमंतु, वो पानी में गिरा हुआ दिखाई देता है, और वो किसी लॉकेट जैसी चीज को पकड़ने की कोशिश करता है जो नीचे गिरते हुए दिखाई देती है, और वो जो लॉकेट जैसी चीज है वो हनुमंतु को रक्त रतन की ओर ले जाता हुआ दिखाई देता है, जो कि इस कहानी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाएगा, क्योंकि भाई यही सुपर पावर का स्रोत है, शक्ति का स्रोत है, जिसे हनुमंतु ग्रहण करेगा या किसी तरह से अपनाएगा, जिसके बाद वो सुपर पावर का स्वामी बन जाएगा। फिर हमें हनुमान जी की मूर्ति वाला ये बेहतरीन सीन दिखाया जाता है, जिसे देख के आइडिया हो रहा है कि ये जो अंजनरी इलाके के आसपास के पर्वतों की है, क्योंकि जो कहानी है वो इसी नगर के अराउंड घूमेगी। उसके बाद अगले शॉट में हमें वो रनिंग वाला शॉट देखने को मिलता है। तो हां भाई, कुछ कुछ मिस्टेक्स हैं इसमें अभी भी जो कि नोटिस होती है, लेकिन भाई हम जैसे लोग इसे खुशी खुशी इग्नोर कर देंगे, क्योंकि 16 करोड़ के बजट में ऐसी छोटी छोटे मिस्टेक्स इग्नोर करना बनता है भाई, क्योंकि 16 करोड़ में और क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे हम लोग। जहां 500 करोड़ का बजट होने के बाद भी आदि पुरुष के क्रिएटर्स ने हमें कार्टून दिखाए थे, उससे तो ये कहीं ज्यादा अच्छा है। फिर हमें वो सदन सिनेमा के जो सिग्नेचर मूव है, मतलब लार्जर देन लाइफ वाले फाइटिंग सीन्स, वो भी देखने को मिलते हैं। और ट्रेलर में वरालक्ष्मी का जो कैरेक्टर है वो भी काफी साफ कर दिया है, जिसे पहले हनुमंतु का लव इंटरेस्ट बताया जा रहा था, वो वाकई में उनकी बहन होने वाली है, जो कि भाई काफी पावरफुल दिखाई दे रही है और अपने भाई को डिफेंड कर रही है, जिससे पता लग रहा है कि सुपर पावर मिलने से पहले हनुमंतु थोड़ा कमजोर होने वाला है। फिर हमें मूवी के विलन माइकल के दर्शन करवाए जाते हैं, जो या तो अपनी शक्तियों को टेस्ट कर रहा है या फिर फेक सुपर हीरो बनने का ट्राई कर रहा है लोगों के सामने। अब ये चीज तो मूवी देख के ही पता चलेगी। हमें एक लैब जैसी जगह में दिखाई देते हैं, जब वो कहते हैं कि उन्हें पावरफुल सूट नहीं चाहिए, उन्हें ऐसी ताकत चाहिए जो उनके शरीर के अंदर हो, रग रग में हो, जिसे पता लग रहा है कि भाई जो विलन है वो ताकत का काफी ज्यादा भूखा है। और यहां पर डायरेक्टर की तारीफ करनी पड़ेगी इस शॉट के लिए, क्योंकि जब वो पावरफुल शूट की बात करता है तो उसके बैकग्राउंड में हमें बैटमैन देखने को मिलता है, और जब वो पावरफुल बॉडी की बात करता है तो वो कैमरा घूम के सुपरमैन की तरफ आ जाता है, बैकग्राउंड में सुपरमैन देखने को मिलता है। तो भाई साहब, जो डायरेक्टर है वो सिर्फ चीजों को लेके ही हमें काफी कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद हमें साफ हो जाता है कि उसी पावर के चक्कर में, उसी ताकत को पाने की चाह में जो विलन है वो अंजनरी पहुंच जाएगा, या किसी ने किसी एंशिएंट रिलिक या एंशिएंट स्क्रिप्चर्स को पढ़ के कहीं से नॉलेज लेके वो अंजनरी पहुंचेगा, जिससे उसे पता चलेगा कि वहां पर कोई शक्ति स्रोत है जिससे उसे वो पावर मिल सकती है जिसे वो चाहता है। और चीजें देख के ये काफी साफ हो जाता है कि विलन के पास टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा है भाई, मतलब हद से ज्यादा, क्योंकि हम जो ये फाइटर प्लेन्स टाइप देख रहे हैं ये कोई नॉर्मल प्लेन्स नहीं लग रहे, ये काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी दिख रही है। फिर हमें नाइट वाला वो सीन देखने को मिलता है, जहां पर कुछ अजीब से विचित्र से लोग हनुमंतु पर हमला करते हैं। यहां से हमें यही समझने को मिलता है कि ये जो विचित्र से लोग है या तो किसी पुरानी एंशियंट कबीले से ताल्लुक रखते हैं या किसी चीज की रक्षा कर रहे हैं। और इस फाइट सीन में हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो हनुमंतु के हाथ में है वो कोई लॉकेट टाइप है, जिसमें हनुमान जी का गदा है, और जब इनसे मार खाने के बाद वो पानी में गिरता है तो वो इसके हाथ से छूट जाता है और वो रक्त रतन की तरफ जाने लगता है। और ये चीज ट्रेलर के फर्स्ट वाले सीन से कनेक्ट हो जाती है, ये हनुमान जी का जो अस्त्र है, गदा है, वो इसे रक्त रतन की तरफ लेके जाएगा, और जिसके बाद ये बन जाएगा सुपर हीरो।
हीरो। और भाई हमें ट्रेलर में काफी ज्यादा कूल सीन्स देखने को मिलते हैं, मतलब जिन्हें देखने के बाद सिनेमा घर में या तो सीटियां बजने वाली है या बहुत ज्यादा किलकियां सुनने को मिलेगी। भाई बहुत शोर होने वाला है ऐसे कूल शॉट देखने के बाद। और यहाँ पर भाई एक थ्योरी और है मेरी, जो कि हनुमंतु का लोके टाइप है वो ही इनका पावरफुल गदा बनने वाला है, क्योंकि इस शॉट में जब हम हनुमंतु को गदा पकड़े हुए देखते हैं तो उनके हाथ पे वो लोके टाइप नहीं दिखता। तो इससे यही लगता है कि जब भी उन्हें किसी अस्त्र की जरूरत होगी तो उनके हाथ से वो ऑटोमेटिकली किसी पावर की तरह जनरेट होके बड़ा साइज ले लेगा। उसके बाद हनुमंतु के काफी सारे शक्ति प्रदर्शन के सीन भी दिखाई पड़ते हैं, और स्पेशली जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं वो है ये हेलीकॉप्टर वाला सीन। भाई किस तरह से उन्होंने हेलीकॉप्टर को रोका हुआ है, क्योंकि ऐसे सीन्स हमने पहले भी बहुत देखे हुए हैं, तो इसका जो डायरेक्टर वो किस तरह से इसको डायरेक्ट करता है कि हमें ये काफी ज्यादा अच्छा लगे, तो ये तो हमें मूवी देख के ही पता लगने वाला है। उसके बाद में अब हम करते हैं एक मेन चीज की बात। इसमें हमें एक बाबा दिखाई देते हैं जो इस जगह पर आके ऐसा लगता है कि वो हनुमान जी से ही बात कर रहे हैं, क्योंकि भाई जहां से हनुमंतु को फेंका गया था वो भी यही जगह दिख रही है जहां हनुमान जी की मूर्ति है, और जो बाबा है वो भी यहां आके खड़े हुए हैं और हनुमान जी से ही बात कर रहे हैं या उन्हें चेता रहे हैं किसी आने वाले बड़े खतरे को लेके। और तब वो कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ एक व्यक्ति के दुष्कर्म दिखाई दे रहे हैं, महासंकट आने वाला है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि कुछ छोटी छोटी बच्चियों के नाक और आंख से खून बह रहा है, तो भाई हो सकता है कि जो खतरा है वो ट्रेलर में जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा बड़ा है, स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई है, और इसीलिए जो हमारे हनुमान जी है वो किसी न किसी तरह से इसमें इंटरफेयर करने वाले हैं, क्योंकि तभी वो अपनी जो साधना है वो छोड़ के खड़े हो जाते हैं। और भाई ये चीज भी पॉसिबल है किसी न किसी तरीके के केमिकल वेपन का यूज किया गया है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि तभी हमें ये जो विलन टाइप दिख रहे हैं ये मास्क लगा के एंट्री करते हैं गांव के अंदर, लेकिन भाई इन्होंने ऐसे फुल मास्क लगाया नहीं हुआ है जिससे ये पूरी तरीके से बच सके, तो अभी भी ये मिस्ट्री है जो कि मूवी देखने के बाद ही सॉल्व होगी। तो भाई पूरा ट्रेलर की ओवरऑल बात करें तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, काफी ज्यादा कूल शॉट्स देखने को मिल रहे हैं, फाइटिंग सीन्स लार्जर देन लाइफ होने वाले हैं क्योंकि सदन सिनेमा की पिक्चर है वो भी सुपर हीरो की, तो भाई इसमें तो कोई शक नहीं है। और प्रशांत वर्मा के डायरेक्शन की एक और बार मैं तारीफ जरूर करना चाहूंगा कि इतने कम बजट में उन्हें काबिले तारीफ काम किया है, उनकी सिनेमेटोग्राफी काफी नेक्स्ट लेवल है। और ट्रेलर का ये जो लास्ट वाला सीन था हनुमान जी का, ये भी मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया, और भाई जब टीजर आया था मैं तो तभी से इसका फैन हो गया था। और आपको ये ट्रेलर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और आप कौन सी पिक्चर देखने जाएंगे, हनुमान या कल्कि, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।